ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक बिल्कुल न्यू वीक की रीडिंग लेके आए हैं, जो कि होगी लव रीडिंग। और ये एक नो कांटेक्ट रीडिंग होगी। इसमें हम देखेंगे कि किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, सो एक उनके लव मैसेजेस एंड देन लास्ट में गाइडेंस। सो नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर, उनके माइंड में क्या चल रहा है, चीज़ें क्या हैं, आप किस चीज़ों से गुजर रहे हैं, ये सारा एक लव रीडिंग करके देखेंगे। सो जल्दी से रीडिंग को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी बात लास्ट की, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। और एक बात कि चैनल में आप जब भी रीडिंग देखने आते हैं, इसी माइंडसेट से आएं कि ये एक जनरल रीडिंग है और आपको इसे एक जनरल रीडिंग की तरह देखना है। अभी भी लोग मुझे पिंग करते हैं, अरे हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं इस राशि के, आप तो मैम इस पे ऐसे रीडिंग बनाते हो। हाँ, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग बनाती हूँ, तो प्लीज़ इसे ऐसे ही देखें। रेजोनेट अगर आपसे होती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आपको फिर भी क्लैरिफिकेशन चाहिए और आप थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हैं, तो आप इसे एक पेड रीडिंग की तरह भी ले सकते हैं, नंबर ऊपर मेंशन है। ठीक है, ज़बरदस्ती फोर्स मत कीजिएगा इस रीडिंग को। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे सन मून साइन या अपने नाम राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स जल्दी से इस रीडिंग को। सो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। सो फ्रेंड्स, इस नो कांटेक्ट रीडिंग में हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज निकालेंगे, आपके लिए देखेंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, एंड देन फिर हम आपके पार्टनर की देखेंगे अगले एक वीक के लिए नो कांटेक्ट की एनर्जी। सो एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। सो मुझे एक चीज़ पता नहीं क्यों बहुत स्ट्राइक कर रही है और एकदम से दिखी है, जो मैं सबसे पहले एड्रेस वही करूँगी, और वो ये है कि मनी आप दोनों के रिश्ते में बहुत इम्पोर्टेंट है। आई डोंट नो क्या है, स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करती हूँ, बट मनी के ही तीन कार्ड आए हैं। मटीरियलिस्टिक अगर मनी नहीं है तो मटीरियलिस्टिक चीज़ें, यानी कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ या तो इसलिए लिंक्ड था, या उसकी इसलिए आपके साथ बहुत ज़्यादा एक लेवल ऑफ बॉन्डिंग थी कि उसको आपके साथ मटीरियलिस्टिक गेन मिलते थे, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिकली वो आपके साथ इन्वॉल्व होता था, या बहुत ज़्यादा एक तरह का उसको लालच था, कुछ ऐसा था, कुछ मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे सबसे पहले दिखी वो, दूसरा मुझे ऐसा दिखा कि इस इंसान को ये लगता था कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, ये आपकी रीडिंग है तो कहीं ना कहीं आप भी ये एनर्जी में हो सकते हैं, बट या तो ये ऐसा चाहते थे और आप बैलेंस नहीं कर पाए, या आप इसे चाहते थे और ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पाया। ये जो नो कांटेक्ट आया वो शायद ऐसा आया कि प्यार तो था बट स्टेबिलिटी नहीं थी, और स्टेबिलिटी थी तो पैसा नहीं था, सॉरी पैसा है एक तरफ प्यार है, तो वो वाला कुछ कॉम्बिनेशन मुझे इधर दिख रहा है, पैसे में और प्यार में, कि दोनों के बीच में एक जो बैलेंस होना चाहिए था वो आपके रिलेशनशिप में मिसिंग था। यू हैव ट्राइड अ लॉट एंड नाउ यू वॉन्ट जस्टिस। आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया, कितना ही मैं करूँगी, इसके अंदर कितना एफर्ट दूँगी, मतलब आगे का मैं कैसे सोचूँगी, किस तरह ही होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इन चीज़ों में। और क्योंकि आपको दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं इस पर्सन से किस तरह से डील करूँ, और वो बैलेंस भी नहीं आ रहा। देखो, बैलेंस आ नहीं रहा और नो कांटेक्ट ख़त्म हो नहीं रहा, कंटिन्यू आप लोग का नो कांटेक्ट बना हुआ है, और आपको ऐसा लगता है कि कितना मैंने इसे हेल्प किया, कितना सपोर्ट किया, चाहे वो प्यार में था चाहे वो पैसे में था, और फिर भी अब हमारे बीच में वो चीज़ें नहीं बन रही, ऐसे वाली फीलिंग है।
ये आपके पार्टनर की तरफ से देखेंगे, अक्वेरियस के पार्टनर, थ्री ऑफ कॉइंस, आपके में जस्टिस था और इनके में जस्टिस रिवर्स है, आप देखिए। तो इसी से ही तो पता लगता है कि नो कॉन्टैक्ट कितना ज़बरदस्त है। द वर्ल्ड एंड टेन ऑफ कप्स, देखिए आपका जो पार्टनर है ना उसके लिए घर परिवार बहुत बड़ी चीज़ है। सो अगर आपको ये लगता है कि वो, अगर आप उसकी फैमिली हैं पहले से, यानी कि आप उसकी वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, जो हैं, उसके लिए सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वो इन चीज़ों को ताक पे रख के चीज़ें नहीं करना चाहता, उसे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को मिलकर करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है अभी वो जस्टिस नहीं कर रहा, क्योंकि जस्टिस रिवर्स का कार्ड है, यानी कि वो इन चीज़ों में कुछ डिफरेंट कर रहा है। जो चीज़ें उसको अब तक एक, जैसे कहते हैं ना, एक ही तरफ लेके जानी थी, अब वो कोई दूसरे ही रास्ते पे निकल गया, वो कोई दूसरे ही चीज़ें करने लग गया, जबकि उसको एक ऐसे रास्ते पे ही फाइनली चलना था, उसे वैसे ही करना था, लेकिन वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई और वो कोई दूसरी तरह से वो प्लेटफॉर्म पे, कहते हैं ना, जैसे चले गए हैं आपके पार्टनर। बट आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो भी हम दोनों के बीच में ये फेज़ आया है, या एक प्रॉब्लम आई है, या एक कहीं ना कहीं जो हम दोनों नो कॉन्टैक्ट में आए हैं एक डिफरेंट अप्रोच की वजह से, ये एक वक्त है और बीत जाएगा, ऐसा लगता है उन्हें। अब ये कितना ट्रू साबित होता है ये तो वक्त बताएगा, बट ऐसा उनकी सोच है इस नो कॉन्टैक्ट को लेके। ठीक है, देखते हैं हम क्या लव मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के। लव मैसेजेस आपके पार्टनर के, आपके लिए अक्वेरियस राशि के पार्टनर के लव मैसेजेस। यू गिव मी इनफ स्पेस, एक चीज़ जो अक्वेरियस वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि आप उन्हें बांधते नहीं हैं, आपने उन्हें बहुत स्पेस दिया है और वो इस चीज़ पे शायद खुश है। हो सकता है उनके घर वाले, उनके फ्रेंड्स उनको इतनी स्पेस ना देते और आपने स्पेस ही स्पेस दिया, ये आपके लिए गुड पॉइंट है। यू आर फनी, तो आप उन्हें हंसाते हैं, खुश रखते हैं, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं इस चीज़ का, उनको कहीं ना कहीं आप पे नाज है, या कहें आप पे एक उनको ट्रस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। सो अक्वेरियस राशि को क्या करना चाहिए अब इस नो कॉन्टैक्ट में, और उनके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस दिख रही है। सबसे पहला एक्वेरियस आपके लिए आ रहा है लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड, यानी लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो आपको कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि ये जो पर्सन है, ये जो प्यार है आपका, और ये आपसे दूर है अगर नो कॉन्टैक्ट में है, तो आपको कैसे इसको अब अपनी तरफ लेके आना होगा, क्योंकि आप जस्टिस के रास्ते पे, आप न्याय करना चाहते हैं, आप कोई गलत रास्ता नहीं चूज करना चाहते, भले ही वो अभी उस हिसाब से चीज़ों को नहीं सोच रहे। तो आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी चीज़ों को लेके, और होपफुल होकर उन्हें दिखाना होगा। देन वी हैव राधा, सोल फ्लेम का, तो अपने अंदर जो आपने एक लॉस कर दिया है या लूज हो गया है एक पार्ट, जिसमें आप पहले बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड लविंग बन के रहते थे, अभी शायद आप थोड़ा सा वैसे हो गए हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं आप खुद को पहले हील करें, अपने आप को संभालें, अपने आप को ज़्यादा समय दें, और फिर एक ऐसी लविंग एनर्जी में आए इस पर्सन के लिए, और अपनी लाइफ को ईजी करें। ठीक है, सो ये है माय डियर आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिली हो एक्वेरियस। अगर ऐसा है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।